सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की पैक डिजाइन। हमने ये बुकरम ली है, इसकी लंबाई है 11 इंच, चौड़ाई है 9.5 इंच। अब हम बुकरम को डबल करेंगे। अब हम यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच की, गले की लंबाई लेंगे 9.5 इंच की। इसके बाद अब हम यहाँ पे गोलाई का, यहाँ पे हम 1-1 इंच बुकरम रखेंगे। अब हमें एक चौकुटा कपड़ा चाहिए और इसको गले को हम अच्छे से रखेंगे बराबर। यहाँ पे हम एक सुई लगा देंगे। अब हम बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ से कपड़े की कटिंग करेंगे। अब हमने कपड़े की पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई है 2 इंच। अब हम यहाँ पे जो सिलाई लगी हुई है दोनों साइड, वहाँ पे हमें पट्टी को रख के इसमें हमें छोटी छोटी चुन्नटें डालनी है 1/2 इंच की। अब हम ये दूसरी साइड भी इसी तरीके से चुन्नी से डालेंगे। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे जितनी हमारी बुकरम की सिलाई है। इसके बाद हम इसको डबल करेंगे बराबर करके, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें हमारा पीछे का पल्लर है, इसको भी डबल करके बराबर करके यहाँ पे निशान लगाना है। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे। बराबर यहाँ पे एक सुई लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे यहाँ से।
अभी हमारे यहाँ तक बुकरम है, उससे हमें नीचे जो यहाँ पे हमारी सिलाई है यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग की ये हमारी पट्टी है, इसकी हमने चौड़ाई 2 इंच की ली है। अब हम यहाँ पे पाइपिंग को रखेंगे। अभी हम बीच के कपड़े की कटिंग करेंगे। अब इसको हमें अंदर के साथ दबा के पाइपिंग बनानी है। अभी हमारा जो अंदर का कपड़ा है पाइपिंग का, इसके ऊपर हम सुई की मदद से अंदर के साथ दबा के इस पर तुरपाई करेंगे। अब ये हमारी पट्टी है। अब हमने ये कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई है 3 इंच की और इसकी लंबाई है 17 इंच की। इसी के बराबर हमने दूसरी पट्टी ली है। अब हम इसको डबल करेंगे। और यहाँ पे बीच में निशान लगा लेंगे। अब 1 इंच हम यहाँ पे दूरी पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, 1 इंच इधर। अब हम यहाँ पे हम पीको करेंगे, जो साड़ियों पे पीको होती है, तो हम यहाँ पे पीको करेंगे। यहाँ पे हम ये पट्टी को लगाएंगे, इसमें 1-1 इंच की दोनों साइड दूरी रहेगी। इसके बाद हम इसको इस तरीके से रखेंगे। ये हमने यहाँ पे अभी, बाद में भी हम ये पीको करवा सकते हैं, तो हमने ये डिजाइन बना ली है और इसमें हम बाद में पीको कर सकते हैं। अगर हम इसमें डोरी लगाना चाहें तो यहाँ पे हम डोरी भी लगा सकते हैं और इस पर हम अच्छे से प्रेस लगा लें। ये बन गई हमारे ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।